A very good morning, everyone. Welcome to Stray Artist. This is Randhir Pratap Singh. And this is Komal Singh Seera. आज हमारा extra day in खिलाड़ हमने rest day लिया सारे काम करने के बाद क्योंकि बहुत कुछ हुआ हमारे साथ. और ये जो rest day है ये भी completely rest day नहीं है. इसमें भी हम vlog बनाएंगे, अपनी गाड़ी ठीक करवाएंगे, packing करेंगे, काम काफी सारे हैं. आज हम कोई new जगह explore नहीं करेंगे. आज हम आपको वही अपनी जगहें दिखाएंगे जहाँ पे हमने इतने दिन से खाना खाया प्यार से. हम यहाँ पे घूमे, कुछ जगहें हैं जहाँ पे हमने मिस कर दी थी. जैसे हम आगे वाला मार्केट नहीं देख के आए तो आज हम शायद आगे वाला मार्केट भी देख के आए. एक मिठाई की शॉप है जिसपे हमारी काफी दिन से नजर है, वो देख के आए. वही कुछ खा के आए. हमारे को अपनी बाइक, सबसे इम्पोर्टेंट काम जो जिसके लिए मैं रुका हूँ, ये सब तो कुकू के काम है. जिसके लिए मैं रुका हूँ वो है कि मेरे को अपनी बाइक को एक बार धुलवाना है अच्छे से और उसका खुद एक चेकअप कर रहा है. और अगर कुछ मुझे इशू लगता है तो यहाँ पर शायद एक मैकेनिक है जो रॉयल इनफील्ड की बाइक्स चेक करते हैं, तो उनको भी एक बार नज़र मरवा दूंगा मैं. मेन काम सबसे पहले ये, मैं सबसे पहले कुछ खा कर रेस्टोरेंट पे अपनी बाइक चेक करवाने जाऊंगा. तो आओ आपको अपना डे दिखाते हैं, आज का दिन कैसा है. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल डे इन खिलाड़, सनी डे है. पीछे वाले धार मतलब कि ऊंचे वाले माउंटेन्स को कहते हैं. तो वहाँ पर देखो कितना मस्त क्लाउड हो रहा है. देखो दोस्तों कितना मस्त क्लाउडी वेदर हो रहा है. देखो वेदर हम आपको ज़रूर दिखाते हैं क्योंकि उसके बिना ना पता नहीं लगता कि आसपास का माहौल क्या है. वो वाला जो रिज है ना दोस्तों, वो रिज साच पास को लेकर जाता है. वहाँ पर भी क्लाउडी है, मतलब जो ऊपर से आ रहा होगा उसको तो मज़ा आ रहा होगा. हाँ भाई, आपको मज़ा आ रहा है? मुझे बहुत मज़ा आ रहा है. क्लाउडी सनी डे है विद क्लाउड्स. अभी हम सुबह उठ के डेटा कॉपी कर रहे थे, डेटा अरेंज कर रहे थे हमें कौन कौन से एपिसोड कैसे बनाने हैं. और उसके बाद मैंने एक आवाज़ सुनी, तो ये रणधीर की आवाज़ थी लेकिन वो उसके पेट से आई थी. तो अब हम कुछ खाने चलते हैं, चाय पीने चलते हैं, हमारा रूटीन दिखाते हैं जो हम आपको सुबह जाके करते हैं. दोस्तों ये ज़्यादा बोल रही हूँ, मैं इसको ऐसे हाथ पकड़ के से पीछे खाई में धक्का दे दूँ. I am Randhir Pratap Singh and I am Komal Singh Seera. We are theatre artists with spirits of an adventurer. As a stray, we travel and as an artist, we live. We are the Stray Artists. क्या बोल रहे हो? भगवान का प्रसाद खाओगे? थैंक यू, खाएंगे, बिल्कुल खाएंगे. इन्होंने भगवान का प्रसाद मुझे ला के दिया. इसका नाम है परी. ये जो हमारे शेफ भैया हैं उनकी बेटी है, उनका एक बेटा भी है. हाय परी. थैंक यू. एक और देके गई है वो. आपका है? आपका क्या नाम है? What? बॉल ले भी ली? हम पहुंच चुके हैं विक्की द ढाबा में. ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ कि विक्की कौन है. विक्की है ये भैया, ये यहाँ के शेफ हैं जो बहुत अच्छे से खाना बनाते हैं. आप यहाँ पे आओगे तो आपके प्यार से खिलाएंगे भी कि आपका पेट भर जाएगा. आपको कुछ बोलना है? बस आप लोग कभी भी खिलाड़ आओ ना तो ये भैया अपनी पूरी फैमिली के साथ ढाबा चलाते हैं. और आप यहाँ पर आके सुबह शाम दोपहर जब भी आके खाओगे ना, आपको ऐसे खाना खिलाएंगे जैसे आप घर पे बैठकर खा रहे हो. आपसे पूछेंगे आपको और चाहिए, पेट भर गया, और चाहिए. वो उनकी वाइफ है और वो उनके साले साहब है. ये उनकी वाइफ है. हेलो दीदी. हाय. ये उनके साले साहब हैं, इनको साले साहब बुलाते हैं. भैया थोड़ा इधर आना, लाइट में आपको फेस नहीं दिख रहा. हाँ यहाँ से दिख रहा है. ये उनके साले साहब हैं, ये उनकी वाइफ है जो अच्छे आलू के परांठे बना रही है. हम लोग रोज़ सुबह आके यही आलू के परांठे खाते हैं, बड़े टेस्टी होते हैं. और जो मेन चीज़ के लिए जो हम रोज़ यहाँ पे आते हैं वो है यहाँ की चाय. हम कई बार तीन तीन चाय पी जाते हैं. मतलब चाय हम लोग यहाँ पे बहुत पीते हैं क्योंकि चाय भी बहुत अच्छी बनती है. जैसे अपन घर में पीते हैं ना, कूट कूट के डाल के उसमें बहुत सारा कुछ अदरक भी डाल के. विक्की भैया और इनके ढाबे से अच्छे मोमोज कहीं नहीं मिलते. हाँ, मैंने एक और जगह ट्राई करे थे क्योंकि मेरे को किसी ने बोला, हमें किसी लोकल ने बताया था कि वो लोग वहाँ पे पसंद करते हैं मोमोज खाना. तो हमने वहाँ पे भी ट्राई किया लेकिन हमें यहीं के मोमोज बहुत टेस्टी लगे, फ्राइड भी और स्टीम भी. तो ये है यहाँ की
अगर ये ना एक्चुअली इनका ढाबा ना शिफ्ट होता रहता है हाँ। अगर आप कभी किलाड़ और आपको इनका ढाबा ना मिले तो इनकी शक्ल याद कर लो, इनको ढूंढ लेना किलाड़ में, विक्की नाम है इनका, विक्की द ढाबा। देख रहे हो आप, ये हमारे रोज सुबह का नाश्ता है, हम बढ़िया यही नाश्ता करते हैं रोज, क्योंकि ये होता है टेस्टी। गाइज, हम विक्की दा ढाबा पे खाना खा के, परांठे चाय पी के अपने होटल रूम पे आए और सो गए, पुट्ठे हो गए। मैं आया था तो मेरी आंखें थोड़ी सी दर्द हो रही थी, मैं सोया, मैंने कहा 15 मिनट लेट हूंगा। हाँ, मैंने कहा चल मैं तेरे को 15 मिनट बाद उठा दूंगी, फिर मैं गेम खेल रही थी, मेरी चांसेस खत्म हो गई गेम पे, मैं कहा अब तू 15 मिनट सो रहा है फिर मैं भी सो जाती हूँ। 2 घंटे सो गया मोटा 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 2 घंटा नहीं सो गए, मोटा मोटा 2 घंटा सो गए। आई एम नॉट मोटा। गाइज, अब हम जाते हैं अपनी बाइक को चेक करवाते हैं। मेन बात है सबसे पहले उसको धुलवाते हैं, उस पर जो एक्सेसिव वेट है और उसकी फिर वो मिट्टी कहीं ना जम जम के उसके पार्ट्स में घुस रही है, तो एक बार उसको अच्छे से साफ करवा कर आते हैं। बहुत ज़्यादा एक थरोली उसका क्लीनअप और चेकअप भी कर लूँगा मैं उसके बाद, पहले एक बार साफ हो जाए फिर उसको थोड़ा बहुत चला के देखते हैं। पहले हम रणधीर के काम कर लेते हैं, फिर हम मेरे वाले काम करेंगे। जैसे कोई रणधीर की हैट देखी किसी ने? ये मैंने यहाँ से ली थी क्योंकि मैंने देखा कि यहाँ पर ना हिमाचल में काफ़ी लोग जो फार्मिंग वगैरह कर रहे होते हैं, तो फिर ये वाली कैप पहनते हो। मैं अब इसको ऐसे ही करती रहूँगी, मतलब ये अच्छी लग रही थी। जैसे मैंने डीकैथलॉन पे चेक करी थी तो वो वाली कैप, सन कैप जो थी वो 1100 की थी और ये मुझे 200 रुपीज़ की मिली। अब आप सोच लो फ़र्क क्या, और कलर भी ऐसे ही था उसका, 200 और 1100 फ़र्क क्या। तो जाते हैं बाहर। ये हैट पहन रहा था ना, तो फिर मैंने भी अपनी ये पहन ली, मैंने कहा मैं भी कुछ पहनूंगी इससे ऊपर। चल रणधीर, हिमालयन बता कितनी गंदी है। आप खुद देखो, हमारे ऑयल सिलेंडर ब्रेक के पूरे इधर मिट्टी से जम चुके हैं, इंजन के अंदर काफ़ी मिट्टी जा चुकी है, नीचे की साइड जा चुकी है और इंजेक्टर का पंगा लग रहा है। अब देखो बॉडी है उसके, एक्सल पे देखो कितनी ज़्यादा टूट, बाइक के रेयर व्हील के पास देखो कितनी, सस्पेंशन के पास कितनी मिट्टी है, वो सारी फिक्स हो गई है। और ये देखो हर जगह फ्रेम पे है, एवरीवेयर। कल का जो टेरेन था वो काफ़ी ख़राब था, जिसकी वजह से सस्पेंशन थोड़ा आवाज़ कर रहा है, वो मुझे लग रहा है कि नीचे वाले सेक्शन में मिट्टी बहुत जो जमी हुई है ना वो अंदर घुस गई है थोड़ी, तो एक बार थरो क्लीन अप हो जाए तो देखते हैं। इंजेक्टर तो सही आवाज़ कर रहा है। और दोस्तों, पांगी वैली की मिट्टी में बिना ग्लिटर है। कल मेरा हेलमेट जो वाटरफॉल में गिरा उसके बाद उसके अंदर ना सारी चमकीली चमकीली हो गई थी। और ये देखो, ये स्टैंड के पास देखो, ऐसे लग रहा है ना जैसे ग्लिटर लगाई हो। अरे यार, काफ़ी सेक्शन गंदा है नीचे की साइड से तो और दिख रहा। चलो ठीक है, मिट्टी उतरनी शुरू हुई है दोस्तों, काफ़ी मिट्टी उतर रही है। ये देखो कैसे मिट्टी निकल रही है। दोस्तों, हमारी बाइक एकदम क्लीन हो चुकी है, हर जगह जहाँ पे मिट्टी थी यहाँ पे भी साफ हो चुका है पूरा, ठीक है। चौकर के पास भी जो मिट्टी थी वो भी काफ़ी ज़्यादा साफ हो चुकी है, और कहीं पे भी मिट्टी के यहाँ पे नामो निशान है। थोड़ा भैया को बोल के बोल देती हूँ, अदरवाइज हमारी बाइक क्लीन हो चुकी है। कुछ साल पहले जब यहाँ पे ना मतलब लोग रहते थे यहाँ पे, तो वहाँ पे लाइट लूट वगैरह कुछ नहीं थी, तो वो क्या करते थे, एक ना वो आप सुना होगा, एक लकड़ी होती है भोजपत्र, नहीं नहीं चील की लकड़ी, अच्छा अच्छा, जिससे वो तारपीन भी बनता है। ओके। वो काफी मतलब कि वो आग को इजली कैच कर लेती है, तो वो उसकी ना उसकी लकड़ी ये यूज करते थे मतलब लाइट के लिए, उसको जला के तो काफी देर तक उसकी रोशनी होती थी। तो फिर वहाँ पे ना एक गाँव था, उसकी 2 बेटियाँ थी, तो
मतलब कि ऐसा मानते हैं यहाँ के लोग कि वो मतलब कि किसी माता का ही रूप थी, उस घर में जन्म लिया था। ओके। तो वो बड़ी होगी। यहाँ पे एक ना फेस्टिवल होता है फुलैत्र कुछ होता है ना। अच्छा। जुकारू फेस्टिवल होता है। उस टाइम ना उसने डिमांड कर दी अपने फादर से कुछ खाने की। यहाँ की एक यहीं का एक फ्रूट होता है, स्ट्रॉबेरी बोल सकते हैं जैसे टॉप ने, उस टाइप का होता है। उसने वो डिमांड कर दी। रात को खाना था, अंधेरा था, तो बोला मेरे को फ्रूट चाहिए। तो उसके फादर बोलते कि यार ये डिमांड मैं कैसे पूरी कर दूँ, और रात का टाइम था, उसने खाना नहीं खाया। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि इनके पास ना वो सिंक वगैरह तो कहाँ होते थे उस टाइम बर्तन धोने के लिए, तो एक ना टब में अंदर ही धोते थे बर्तन, और वो उस गंदे पानी को फिर रात को बाहर फेंकते थे। तो उसने वो बर्तन धोए घर में लड़की ने, और टब को फेंकने के लिए बाहर गई। उसने दो वो जंगनी वो लकड़ी ली, मुझे वो होता है मैंने बोला जलने वाला, उसकी रोशनी से गई और बाहर गई। और उसके फादर ने सोचा कि वो चली गई कि पानी फेंकने की, आ जाएगी वापस। वो वहाँ से चली गई। बड़ी देर हुई तो उसके फादर ने चेक करने के लिए, हाँ चिंता हुई, बाहर गए तो देखा तो अंधेरा ही अंधेरा है क्योंकि लाइट तो होती नहीं थी। उसने ना वहाँ से, ये नीचे गाँव है। अच्छा, वो वहाँ क्या रहते थे पहले? यहाँ के थे, ये अपनी आगे वाला जो है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, यहीं क्या, फिर यहाँ से वो क्या कि उसने ऊपर नजर मारी अंधेरे में, तो उसने उसको ना दो लकड़ियाँ जलती हुई दिखी। तो उसके पीछे ऐसे रनिंग करने में पकड़ने के लिए कि छोटी लड़की यार ऐसे कैसे चलेगी। ऊपर गए तो वो भागते हुए गए, तो उसने देख लिया अपने फादर को कि वो मेरे पीछे आ रहे हैं। उसने क्या किया को एक लकड़ी को ना वहीं डाल दिया, फेंक दिया, और दूसरी से चल पड़ी ऊपर। फिर जब ऊपर पहुंची जहाँ पे वो टेम्पल है, वहाँ पे रुक गई, और उसके पापा वहाँ तक जैसे पहुँचे वो गायब। वो रोते आते, रो रहे थे ऐसे, परेशान थे, तो ऐसे रोते रोते ना उनको नींद आ गई। और उसी टाइम उनकी बेटी वो सपने में आ गई और बोला कि आप टेंशन मत लो, मैं माता हूँ, मैंने आपके घर में जन्म लिया था, ठीक है, आपका मेरे लिए जो प्रेम था, प्यार था, ठीक है, अगर इतना ही ज़्यादा था तो यहाँ पे ना मेरे नाम से एक मंदिर बना दो, और यहाँ पे जो फिर फेस्टिवल होता है ना उसको सेलिब्रेट करो। हाँ, उसको सेलिब्रेट। उस दिन क्या करो कि एक ना यहाँ पे चोकर एक पक्षी होता है। अच्छा, ठीक है, उसका अंडा और घी शहद कुछ तीन चार आइटम, उसका ना मेरे को बोला भोजन, उसका खाना बना के मेरे को वो ईयरली में एक बार एक डे फिक्स होगा तब मेरे को बोले यहाँ पे खिला देना आपने। तो उसने, उसके पापा ने वैसे ही किया, मंदिर बना दिया, और वैसे हर साल की भांति वहाँ जाते थे। बट ये कंडीशन थी कि उस टेंपल में वो जैसे रखते थे थाली रखते थे, उनको बोला था कि भाई थाली रख के आपने उल्टा मुड़ जाना है, मतलब वो देखना नहीं है। वो पीछे मुड़ते थे, वो माता आती थी, खाना खाती थी, फिर जब वो खाली थाली को नीचे रखते, साउंड होता ना टर्न की, तो उनको जजमेंट हो जाता है, उसने फिनिश कर लिया, तो उसके बाद वो वापस ले जाते थे। ऐसे चलता रहा, हर साल चलता रहा। फिर वो एक टाइम पे ना वो काफ़ी ओल्ड एज पे आ गए, चल फिर नहीं सकते थे, तो उन्होंने क्या किया कि उनकी जो दूसरी बेटी थी ना उसको, उसकी शादी की थी, तो घर जमाई समझते हो आप। हाँ हाँ। कि लड़के को तो लड़की के घर में ही रहना, तो जब शादी करवाई तो जो घर जमाई थे, अब वो उनके पापा तो काफ़ी एज्ड हो चुके थे तो उनसे चला नहीं जाता था, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने जमाई को भेज दिया कि यार इस बार ना तू दे क्या खाना। तो जैसे वो गए तो उनके ना इंटेंशन कुछ सही नहीं थे, तो उन्होंने पलट के देख लिया होगा। पलट नहीं देख लिया, उनकी मतलब कि इंटेंशन वैसे ही सही नहीं थे, उनको लगा कि मेरी वाइफ की सिस्टर है, तो ब्लड शूट करने की कोशिश। ओके। वो दूसरे नेगेटिव माइंडेड थे थोड़े। जैसे गए उन्होंने थाली रखी और वो उल्टे नहीं हुए, जैसे ने माता ने आगे हाथ बढ़ाया उन्होंने उनका हाथ पकड़ लिया। ओह। और माता ने उसको किक मारा ऐसे, वो गिर के कहते हैं कि यहाँ से किसी नाले में पड़ गए, और जहाँ वो गिरे उनकी मतलब की पूरी बॉडी वो शेप बनी होगी, शेप बन गई है। तो फिर उसको शाप दिया तो मरेगा तब, बोला कहीं जैसे दौड़ से एंट्री करेगा ना तेरा एक लैग मतलब इन होगा एक बाहर ही होगा, तो वहाँ मर जाएगा। फिर अपने पापा को भी श्राप दिया कि जब आपसे नहीं हो पा रहा था तो आप मना कर देते, मैं खाने के लिए कोई ज़बरदस्ती में भूखी थोड़ी ना थी, वो तो चलो आपका प्यार था तो आपने इसको क्यों भेजा। तो फिर कुछ ऐसा श्राप दे दिया गुस्से में, तो उनकी फैमिली पूरी मर गई थी, जल गई थी, वहाँ आग लगी उसी फैमिली के, वो सारे फैमिली मेम्बर जल गए, और वो तो मर ही गया जो आदमी, वो तो आदमी गलत था। हाँ, वो आदमी गलत था। उसके बाद फिर उसको मतलब रिग्रेट भी हुआ कि गुस्से में बोल दिया, बट एक जगह थी वो नहीं जला जहाँ पे वो खेलती थी, वो माता बचपन में जिस एरिया में खेलती थी उस गाँव में, पूरे मतलब उनका पूरा घर जल गया, वो स्पेस नहीं जला। फिर उसके बाद क्या हुआ कि वहीं पे मंदिर में एक बहुत बड़ा स्टोन है, स्टोन बोल सकते हो, मतलब माउंटेन ही एक तरफ का, वो फट के ना वहाँ से एक पुजारी निकला था जिसके पास त्रिशूल थी, जो पूजा का सामान होता वो था। उसके बाद क्या होता है कि वो ही हर साल वो परंपरा को कायम रखे हुए हैं, और जो चोकर है ना, वो जो मैंने बताया था एक पक्षी का अंडा होता है, वो आज की डेट में नहीं मिलता है, बड़ी मुश्किल मिलता ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे वरदान है
जो अभी वो जो पुजारी है उसके कुल में उसके खेत में हर साल मिलेगा ही मिलेगा। अरे वाह, आज भी मिलता है तो वो आज भी वैसे ही भोग माता को चढ़ाते हैं, ठीक है। एंड आज वही था वहाँ पे, तभी हम गए थे वहाँ पे, तो वहाँ पे पूजा आपके बंदा है क्या? हाँ, वो उन्होंने बांधा। और ये वही भैया जो उड़ान लेक को क्लीन कर रहे थे, हम उड़ान में जब थे तो इन्हीं की फैमिली थी। एक्चुअली मैं माउंटेनियर हूँ। अच्छा अच्छा, अपने बारे में बता दो यार थोड़ा। मेरे बारे में अपना नाम बता दो, कहाँ रहते हो? मैं टिंक्स राजपूत, मैं धर्मशाला में रहता हूँ। बेसिकली मैं चुरा से हूँ। चुरा से हो? अच्छा, राजपूत हो आप? हाँ, मैं भी राजपूत हूँ, रणधीर प्रताप से। ओके, मेरा वैसे असली नाम टेक सिंह राजपूत है। अच्छा, मेरा टिंक्स राजपूत। अच्छा अच्छा अच्छा, सारे। एंड उसके बाद मैं माउंटेनियरिंग की है मैंने मनाली से, और मैं ट्रैक भी करवाता हूँ। कहाँ पर? अच्छा अच्छा, त्रियुंड करवाता हूँ। अच्छा, पास करवाता हूँ, लहेश केप करवाता हूँ, सार पास। ये भी सार पास भी करवाते हो? हाँ जी, सार पास मतलब सारे ही करवाता हूँ, मतलब टूरिस्ट गाइड, होटल गाइड और माउंटेनियरिंग गाइड। नाइस टू मीट यू बड़ी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, कहानी सुनाई आपने इतनी जबरदस्त। दोस्तों, हम तीन दिन से यहाँ पे आए हैं, और जब भी मैं इधर इस वाले रास्ते से जाती थी ना, मैं इस शॉप को जरूर देखती थी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी मिठाइयाँ पड़ी हुई थी। आज हम फाइनली मदन ढाबा पे आ चुके हैं, और मैंने अपनी प्लेट ऑफ मिठाई बना लिया उनसे। मैंने कहा आप एक एक ये जो मिठाई है सारी डाल दो, बोलते बिल्कुल जी डाल देते। मस्त है, मतलब प्योर टेस्ट है यहाँ का। भाभी ये खा के देख, ये वाली खा के, है ना? हाफ ले, हाफ ले। ये रणधीर ने लिया, मेरे को ये अच्छा लगता है। ये भी रणधीर ने लिया, ये बेसन का लड्डू है। ये है दोस्तों वो मदन ढाबा, जहाँ पे अभी हमने अपनी मिठाई की पूरी भर के प्लेट खाई। मुझे तो मज़ा आ गया खा के, बड़ा मज़ा आया। पूरी प्लेट खा ली मैंने और मेरा पेट भर रहा है, क्योंकि रणधीर ने जो डोडा बर्फी ली थी वो भी टेस्टी थी, हमने वो भी खा ली थी, और उसको खा के पूरा पेट भर चुका है। अब चलो। तो गाइज, अब हम अपनी बाइक पर सामान लोड करना स्टार्ट कर रहे हैं, पैनियर वगैरह फिट कर रहे हैं। बाइक हम अपनी पूरी धुलवा आए थे, और उसके बाद काफ़ी मिट्टी उतरी है, हमने अपनी बाइक में पेट्रोल भी डलवा लिया, और यहाँ पर हमारे को 120 रुपीज़ के हिसाब से पेट्रोल पड़ा है, विच इज़ ऑल राइट, क्योंकि राजस्थान वगैरह बॉम्बे वगैरह में तो 112-110 रुपये ऑलरेडी हो रहा, तो कोई मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं लगा मुझे देते हुए, क्योंकि नॉर्मली रेट हो रहा है। तो यहाँ पर पेट्रोल पम्प ना होने के बावजूद जो 50-60 रुपये एक्स्ट्रा लेते हैं वो जायज़ ही लग रहा है। तो बस अब लोड करते हैं। इसके बाद मुझे अपना एक नकल गार्ड, जो हमारी बाइक कल गिरी थी, तो एक साइड का उसके ऊपर का जो प्लास्टिक है वो टूट गया, तो मुझे इस साइड का ही प्लास्टिक उतारना है। स्टील का जो फ्रेम है अंदर वो ठीक है एकदम, एक वो काम करना है, उसके थोड़ा इंजन ऑयल को मुझे टॉप अप करना है, तो मैं वो करूँगा। वन साइड डन। मैं वादियों के नज़ारे ले रही हूँ, और यहाँ पे रणधीर जो दूसरा नकल गार्ड है वो खोल रहा है। खोल दिया है। अच्छा, खोल दिया है। अब हमारी जो पूरी ब्लैक बर्ड है वो बेयर बोन दिख रही है, जैसे कि वो उसकी पूरी बॉडी है, और हमने टॉप बॉक्स भी भर दिया है। और मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगी कि अब हम अपने राइडिंग अटायर में आ चुके हैं, हमने अपनी राइडिंग पैंट्स डाल ली हैं, और राइडिंग जो शर्ट होती है वो अभी से डाल ली है, और बाकी सारा सामान पैक करके हमने पैनियर्स में लोड कर दिया है, निकाल दिया है नकल गार्ड। तो दोस्तों, अब सारा काम तो हो गया मेजरली, अब बारी है बाइक को थोड़ा सा और ड्रिंक पिलाने की, क्योंकि अब बाइक को हमारे को थोड़ा सा इंजन का टॉपअप करना है। तो कभी भी ऐसे खड़ी हुई बाइक है, तो अभी मेरे को इंजन ऑयल का लेवल पता नहीं लग रहा है। जब इंजन ऑयल का लेवल देखना होता है ना दोस्तों, इस पे देखना पड़ता है, बट उसके लिए हमारे को बाइक स्टार्ट करनी पड़ेगी। अब गाड़ी को 10 मिनट खड़े रहने देते हैं, फिर इंजन ऑयल का लेवल पता लग जाएगा कितना है, फिर मैं 200 ml के आसपास टॉपअप कर दूंगा। वैसे जब मैंने लेवल चेक किया था तो लेवल तो ठीक बता रहा था, करेक्ट यूनिट है, मतलब एप्ट है, बट टॉपअप करने से कुछ बुरा नहीं होता, इंजन ऑयल मतलब पूरा रहे कोई दिक्कत नहीं। 200 ml डालना है मेरे को। दोस्तों, बाइक का टॉपअप भी हो चुका है। थप्पा, आ जाओ आप भी, आ जाओ लॉग में। गाइज, हमारी बाइक रेडी हो चुकी है, एंड हमने अपने सारे जो छोटे मोटे काम थे वो पैक कर चुके हैं हम। जैसे कि आपने पूरा हमारा ये दिन देखा, आप हमारे साथ रहे, अभी सारे काम हो चुके हैं, प्रेपरेशंस पूरी हो चुकी हैं, बस अभी एक ही पंगा है। वो पंगा ये है कि हमें अभी तक ये इन्फॉर्मेशन क्लियर नहीं है कि उदयपुर वाला जो रूट है वो खुल गया है कि नहीं, क्योंकि जब हम आज अपनी बाइक धुलवा रहे थे तो वहाँ से एक सब्जी वाले भैया जो यहाँ पे सब्जी मतलब कि ट्रांसपोर्ट करते हैं, मतलब दो गाड़ियाँ चलती हैं, वो उनमें से एक उनकी चलती है जो किलोंग से वगैरह से सब्जियाँ लाते हैं, तो उन्होंने हमें बताया कि आज मैं सब्जी वहीं से ला रहा हूँ, मैं आज आया हूँ,
ठीक है, मैं भी 3 दिन वहाँ पे फंसा रहा क्योंकि मेरी सब्ज़ी में ट्रांसपोर्ट नहीं कर पा रहा था, तो उन्होंने ट्रांसमिट कर दी सब्ज़ी, मतलब कि वहाँ से जो गाड़ी आ रही थी वो यहाँ से एक गाड़ी ले गए और वो सब्ज़ी उसमें ट्रांसफ़र करके ले आए हैं। मतलब गाड़ी पास नहीं हो रही है तो ये एक बंगा है, इसी वजह से हमने आज अपना दिन एक्सटेंड किया था कि अगर रोड खुली भी है तो थोड़ी ठीक से हो जाएगी तो हम आराम से निकल पाएंगे। कल हमारे को ये इन्फॉर्मेशन मिली थी कि रोड खुल गई है, बट आज भी यही इन्फॉर्मेशन मिली है कि रोड अब भी नहीं खुली और कल खुलेगी। और आज शाम तक भी हम अपने होप्स को जगाए रख रहे हैं क्योंकि शाम तक भी हमें एक दो लोगों ने बोला है कि हम आपको बता के जाएंगे, मतलब तो 3-4 लोगों से हमारी बात चल रही है यहाँ पे कि एक यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दे देंगे। जिस पे अभी हम जाएंगे बस स्टैंड पे, हम फिर से आज पूछने जाएंगे। और एक और भैया जिन्होंने बोला मैं शाम को ढाबे पे बता के जाऊँगा, उनकी इन्फॉर्मेशन, क्योंकि उनकी गाड़ी चलती है वहाँ पर, तो इन्फॉर्मेशन 3-4 जगह से मिलनी है। तो अभी हम वही चेकअप करने जा रहे हैं, अगर नेक्स्ट व्लॉग मोटो व्लॉग आता है तो इसका मतलब हम निकल चुके हैं और रोड खुल चुकी है, बट अगर नहीं आता और हम फिर किल्लाड़ में हैं तो मतलब समझना कि रोड नहीं खुली है और सिचुएशन अभी यही है। क्योंकि हमें लोग बोल रहे हैं कि आगे आप जब तक आपको क्लियर इन्फॉर्मेशन ना मिले तो मत जाना, और उन्होंने बोला है कि आप यहाँ से एग्जिट कर जाओ किश्तवाड़ वाले रूट से, या आप एग्जिट कर जाओ वापस साच पास को चले जाओ। हम दोनों नहीं करना चाहते क्योंकि किश्तवाड़ अगर हम जाएंगे, अगर वहाँ से हम एग्जिट लेते हैं तो जो हमारा एक स्पॉट है वो कवर नहीं हो पाएगा, और अगर हम साच पास से दोबारा जाते हैं तो वो भी हमें नहीं करना क्योंकि वो बहुत टायरिंग है और वो सेम रूट है, और सेम रूट हमें दोबारा नहीं करना। मतलब फिर हम इतना एफर्ट करके यहाँ पर आए कि अगर हमारे को हाफ व्लॉग सारे जो आधे व्लॉग्स यहाँ तक आए हैं वो सारे फिर सेम बनाएंगे, फिर कुछ बनाएंगे नहीं, फिर सीधा दिल्ली जाके बनाएंगे। तो वेट करते हैं, होप करते हैं कि कल रोड खुल जाए, क्योंकि लेट्स प्रे हमारे भगवान सुनते हैं हमारी कि भगवान जी रोड खुलवा दो किलोंग पहुँचना है, क्योंकि भगवान जी ने हमारी बैरागढ़ वाली सिचुएशन को भी मंजूरी दे दी थी और हमारी सारी बातें वैसे भी सुन लेते हैं। अब देखो इतने सारे पंगे हुए, बाइक मिसिंग मार रही थी, बाइक गिरी, गिरने को बाइक हमारी पूरी की पूरी गॉर्ज में खाई में गिर सकती थी, बट नहीं हुआ। भगवान मतलब हाथ है हमारे पे, हर चीज़ से ब्लैक बोर्ड रेडी हो चुकी है, मतलब एवरीथिंग इज प्रिपेयर्ड, नाउ इट्स जस्ट टाइम फॉर अस टू लीव। सो गाइज, ये था हमारा दिन और ये था हमारा ब्लॉग। अब हमें आगे कुछ नहीं करना है, बस खाना खाना है और वो इन्फॉर्मेशन उससे पहले कलेक्ट करनी है कि क्या सिचुएशन है उदयपुर वाली रोड की। सो मैं बोलने वाली थी वी विल सी इन द नेक्स्ट वन, रणधीर को बुला रही थी कि आजा ब्लॉग ख़त्म कर देते हैं, लेकिन वो देखो कुछ ना कुछ वो चेक ही कर ही जा रहा है अभी, उसको संतुष्टि नहीं मिलती। ओए ब्लॉग ख़त्म कर इधर आ। वी विल सी इन द नेक्स्ट वन, तब तक के लिए वेयर डू वी गो नाउ।